ब्रह्मगा जी, अभी आपने बोला कि उदयराज जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और संबंध हैं, और आज जो मौसम विभाग में जो ये उदयराज जी आ रहे हैं वो किसके मार्फत आ रहे हैं, इनको कौन टारगेट बना रहा है? देखिए ऐसा है, मौसम विभाग के अंदर पूरे भारतवर्ष में जितने दफ्तर हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना अनुसूचित जाति एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म को हमने मजबूत किया है पूरे 18-19 साल के अंदर, और बिगर किसी नेता के सहयोग के उतना आज तक मजबूती से पूरे भारतवर्ष में कोई विभाग नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमने यहाँ पर एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। जब ये लोग एंटी रिजर्वेशन, सबको पता है कि ब्रह्म प्रकाश परिसंघ से अलग हो गए हैं, तो जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनके बुलावे पे क्यों आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अगर इनको आरक्षण से इतना प्रेम है तो अभी यूपी में प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हुआ, राजस्थान में खत्म हुआ, दिल्ली में आरक्षण खत्म हो रहा है, प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। परिसंघ के चेयरमैन सांसद उदित राज का जो सुप्रीम कोर्ट में PIL डली हुई है, जो केस चल रहा है प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के, परिसंघ की क्या हिस्सेदारी है, डॉक्टर उदित राज की क्या हिस्सेदारी है, क्या उनका सहयोग है आरक्षण को बचाने के लिए? अगर उनको आरक्षण से इतना प्रेम है तो इनके पास में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, परिसंघ के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। 26 दिसंबर को ये रैली कर रहे हैं, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हरीश सालवी जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरक्षण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना अधिवक्ता खड़ा करें, अपना वकील खड़ा करें। अगर इनको दलितों से इतना प्रेम है तो गोहाना में जो हुआ, जो ऊना में घटना हुई गाय को लेकर के, उस पर क्यों नहीं बोले? रोहित वोमिला पर क्यों नहीं बोले? सहारनपुर में इतने दलितों को जिंदा जला दिया गया, हाथ काट दिए गए, महिलाओं के बलात्कार कर दिए गए, और अभी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर एक महिला डोने वाली महिला को सर पर महिला रखा हुआ था और वो किसी दबंग परिवार की लड़की से छू गई तो उसको पीट पीट कर मार दिया। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने उसका आंदोलन किया। क्या ये उत्तर प्रदेश को बिलोंग नहीं करते हैं? क्या परिसंघ के लोग उत्तर प्रदेश में नहीं हैं? परिसंघ को सहयोग नहीं करना चाहिए था? ये इन्होंने केवल अपने विशेष, जहां फायदा नजर आता है इनको, जहां पर इनको फायदा नजर आता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से ये आवाज उठाते हैं, जहां इनको फायदा नजर नहीं आता, जहां इनको कार्यकर्ता नजर नहीं आते, जहां इन्हें सुबह से शाम तक इनके कहने से काम करने वाले नजर नहीं आते, जहां इनको चंदा देने वाले नजर नहीं आते, वहां इनकी आवाज गुल हो जाती है। ये कैसा बाबा साहब का, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का प्रेम है? ये कैसा प्रेम है? ये कौन सी लड़ाई है? अगर आप सही प्रेमी हो, बाबा साहब के अनुयायी हो और बौद्ध की धम्म पर चलने वाले हो, तो सभी लोगों के लिए आपकी नज़र में दलित प्रेम होना चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। बाबा साहब भी देश को प्रेम करते थे। बाबा साहब ने कहा था कि मैं सर्वप्रथम देश को प्रेम करता हूँ, और अगर दलित की बात आएगी तो मेरे लिए सबसे पहले मेरा समाज, जिस समाज का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। अगर इन्होंने सर्वोपरि माना था तो आज ये क्या करना चाहते हैं? इन्होंने, अगर ये दलित की बात करते हैं तो भीम आर्मी बनी थी, जो दलित आंदोलन हुआ सहारनपुर के अंदर, तो फिर इन्होंने खटीक सेना क्यों बनाई? क्या यही दलित प्रेम है? लेकिन सर उन्होंने तो इतनी कुर्बानियां दी हैं। कौन सी कुर्बानियां दी हैं? कि उन्होंने अपनी नौकरी को भी लात मार दी, और जिस समय इनका नाम रामराज था और रामराज से सब लोग ये कहते थे कि जब आप अंबेडकर की बात करते हैं तो ये आपका नाम ही रामराज है और रामराज से आप घृणा करते हैं, तो उदित राज जी ने उसी समय शायद 14 अप्रैल शनिवार नहीं है मुझे पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि भाई आज आप मेरे को राम राम की बात करते हो, तो आज मैं आज से अपना नाम चेंज करता हूं और मैं आज से अपना नाम उदित राज रखता हूं, और उदित राज उसी से नाम चला आ रहा है। इतनी कुर्बानियां की है सर उन्होंने, और आप कहते हैं कि उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं। देखिए हम बताते हैं आपको, जब 1997-98 में प्रमोशन रिजर्वेशन के मैटर को लेकर के और अध्यादेश जारी हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ बोला था
ये उस लड़ाई को अपने नाम कहते हैं कि मैंने 84th और 85th अमेंडमेंट मैंने करवाया। उस समय पर रेलवे साथ था, उस समय पर मौसम विभाग साथ था, उस समय पर VSNL साथ था, उस समय पर इनकम टैक्स साथ था, उस समय पर पूरा देश का विभाग, पूरे देश का दलित कर्मचारी साथ में था, और तब ये चेयरमैन नहीं थे। तब एक ईमानदारी बात थी कि देश की लड़ाई लड़ी जाएगी, इनका अकेले का योगदान नहीं था, उसमें पूरे दलित देश के दलितों का नेताओं का योगदान था। ठीक है, इन्होंने बहुत दीक्षा ली, लेकिन लेने के बाद परिसंघ भी बना, लोगों ने इन्हें नेता माना, नेता मानने के बाद क्या हुआ? आज अगर ये बौद्धिस्ट हैं तो होली क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, सारे संस्कार करते हैं, खटीक सेना क्यों बनाते हैं? आप दलितों की बात करते हैं तो जब भी कोई अभी इनके लोकसभा में पहुंचने के बाद विधानसभा के चुनाव हुए, काउंसलर के चुनाव हुए, तो अपने भाई भतीजों को टिकट क्यों मांगी? कितने इन्होंने जाटमों को टिकट दी? क्या किसी जाटव को टिकट दिलवाने के लिए इन्होंने मदद करी काउंसलर में? 17 अपने समाज के खटीक लोगों को इन्होंने टिकट दी और 17 के 17 हारे हैं। किसी जाटव को इन्होंने टिकट देने के लिए पैरवी नहीं करी, किसी वाल्मीकि के लिए पैरवी नहीं करी। क्यों? क्या ये दलितों के नेता नहीं हैं? क्या ये पर्टिकुलर समाज के हैं? वैसे कहते हैं कि मैं तो खरा सोना हूँ बाबा साहब का, असली अनुयायी हूँ, मैं जिस जात में पैदा हुआ हूँ ये मेरे वश में नहीं है, ये कहते हुए घूमते हैं। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, यूपी का चुनाव हुआ, तो अपने ही रिश्तेदार के लिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी में जा कर के रगड़ रहे हैं अपने आप को। क्या उत्तर प्रदेश के परिसंघ के लोग नहीं थे क्या? अगर उनको राजनीति करवानी है, अगर उनको मजबूती देनी है, तो कितने परिसंघ के लोगों को इन्होंने किसी कमेटी के अंदर मेंबर चेयरमैन बनवाया है? कितने लोगों की पैरवी की है? अपने जो रिश्तेदार हैं इनके, उनको तो इन्होंने किसी को किसी में मेंबर बना दिया, किसी को कुछ दिलवा दिया, किसी को कुछ दिलवा दिया। पूरे दिन वही करते हैं काम, कार्यकर्ता करते हैं काम, पूरे देश के दलित करते हैं, और जब देने की बात आती है और जब किसी काम की बात आती है तो उसको कह देते हैं भाई काम मत लेके आया करो, काम मत लेके आया करो, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, लोगों को दिखाओ, भीड़ इकट्ठा करो, सरकार को डराओ और सरकार से अपने फायदे कराओ। ये केवल मुंह दिखाई की लड़ाई हो रही है, बाकी और कुछ नहीं है। असली अगर अंबेडकरवादी हैं तो अंबेडकरवाद को अपनाना पड़ेगा, अपने साथियों के साथ ईमानदारी रखनी पड़ेगी। मैं जब तक साथ था, उसके बाद मुझे एक साल हुई है, एक साल के अंदर हमने 4 आंदोलन किए हैं। हमने यहाँ पर दिल्ली में 100 दिन के अंदर 13 लोग मरे थे, उनके लिए हमने आंदोलन किया। क्या डॉक्टर उदित राज जल बोर्ड के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के बाद जल बोर्ड तो केवल केजरीवाल के पास में है, तो जल बोर्ड का विरोध करना चाहिए था, केजरीवाल सरकार का विरोध करना चाहिए था? क्यों नहीं इन्होंने जल्लूस निकाला? क्यों नहीं इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया? तब प्रसंग कहाँ चला गया था? तब भी तो प्रसंगों को करना चाहिए था। हमने उसका आंदोलन किया, कैंडल मार्च किया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय महेश गिरिजी भी गए, और अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रामशंकर कठेरिया भी जी गए और उनके लिए न्याय दिलवाया। जो दलित फंड का दुरुपयोग होता है, हमने कम से कम 8-10 हज़ार लोगों को लेकर के, ITO से लेकर के, शहीदी पार्क से लेकर के दिल्ली सचिवालय तक हमने मार्च किया, और उस पर यह हुआ कि उसके दलित फंड के सदुपयोग के लिए आज केजरीवाल ने तालकटोरा स्टेडियम में उसके लिए रोजगार के लिए और बिजनेस करने के लिए उसने वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। और जो SC ST के अनुसूचित जाति के जिनके परिवार की 2 लाख रुपए इनकम है, उनको तो 100% आरक्षण, 100% कोचिंग सेंटर्स के लिए पैसा डायरेक्ट सरकार की तरफ से जाएगा, जो बच्चे टैलेंटेड होंगे। और जिनकी 6 लाख रुपए सालाना इनकम है, उनके बच्चों को 75% डायरेक्ट कोचिंग सेंटर को दिया जाएगा, जो बच्चे IIT, डॉक्टरी, IAS, IPS, BCS की सर्विस करना चाहते हैं उनके कंपटीशन के लिए। तो हमारे आंदोलन का असर हुआ है। हमने संविधान दिवस पे भी यही बात रखी कि दलित फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक एक्ट बनना चाहिए, तो जिसमें नरेंद्र यादव जी और सरकार ने वादा किया है, हमने फेसबुक पर भी डाला है कि सरकार जो है इस पर एक्ट बनाने जा रही है, जिससे कि दलित फंड का दुरुपयोग बंद हो। मैं आज आजाद दलित लीडर की तरह मैं आज सड़क पर उतरता हूँ,
जब मैं प्रसंग में था तो तब मैं एक अपने नेता की बात मानता था, और ये सर मैं हर बात को बोलने से पहले डरता था कि कहीं कोई बात ना निकल जाए, कहीं हम लोग बदनाम ना हो जाएं, लेकिन ये केवल सहूलियत के हिसाब से बोलते थे और किसी को बोलने नहीं देते थे। ईमानदारी लड़ाई में ईमानदारी नहीं है, दिखावा कुछ और है। जैसे मदारी खेल दिखाता है बंदर और डुगडुगी बजा करके और अंगूठी बेच के चला जाता है, वही प्रसंग के चेयरमैन का हिसाब है।